हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे आप सबको पता है कि अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, तो उसी में आज मैं आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर्स कम द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द एलिमेंट प्रेजेंट्स द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हमें किसका मॉडल की बात करनी है? एरिस्टोटल मॉडल की बात करनी है हमें। आई होप आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, लाइक एरिस्टोटल मॉडल है, शामन वीवर्स मॉडल है, बर्लोज मॉडल है, काफी सारे मॉडल्स हैं। तो उसमें से हमें एरिस्टोटल मॉडल का पता करना है। तो आप लोग 2 सेकेंड देती हूँ मैं आपको, आप आइडिया लगाइए क्वेश्चन आंसर का, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। ये वाला इसलिए है क्योंकि एरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले उन्होंने मॉडल दिया था। उसके अंदर हम लोग बहुत ही सिंपल सा मॉडल था इनका, सिर्फ 3 जनों का, कि स्पीकर बोलेगा, वो अपनी स्पीच देगा और ऑडियंस को समझाएगा। सिंपल इतना सा था, क्योंकि उस टाइम के अंदर ज्यादा चैनल्स और कम्युनिकेशन के मेथड्स और इन सब की ज्यादा बात नहीं होती थी। तो बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ सिंपल इतना सा था कि एक स्पीकर होगा जो स्पीच दे रहा है अपनी और सामने ऑडियंस बैठी है। तो एक बहुत ही जनरल सा कंसेप्ट दिया था इन्होंने। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, रिमेंबर नॉट ट्रू अबाउट फोक मीडिया। तो आप लोग को आइडिया होगा कि फोक मीडिया क्या होते हैं, जो जनरली हमारे पास जितने भी गाँव के अंदर कुछ स्पेसिफिक मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू वहाँ के जो पीपल होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से इन सारे 4 ऑप्शंस में से कौन सा रॉन्ग है या फिर नॉट ट्रू है वो आपको इसमें से बताना। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फोक मीडियाज आर यूज्ड प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जो फोक मीडियाज होते हैं ना, वो किसी भी विलेज के लिए, किसी भी विलेज के अंदर क्या करते हैं, एक्चुअली मास मीडिया के जैसे काम करते हैं। ओके, और इसके अंदर हमारे सारे प्लेज, डांसेस और सॉन्ग्स जो है वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं होते हैं, ये साथ साथ के अंदर इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। एक्चुअली गांव के लोग जो होते हैं वो उतने, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उतना इंटेलेक्ट नहीं होता है उन लोगों का, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो उनको बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे नुक्कड़ नाटक और ये सारी चीजें, इस तरीके से प्लेज और डांस और कुछ कुछ ऐसा ट्रेडिशनल सॉन्ग, ये सब बना के उनको एंटरटेनमेंट के साथ के अंदर चीजें सिखाई जाती है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, ये काफी सारी चीजों को सिखाने के लिए या उनको नॉलेज देने के लिए, जैसे अभी जैसे बहुत सारी कुरीतियां चल रही है हमारे सोसाइटी के अंदर, बहुत ही जैसे दहेज प्रथा एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में समझाने के लिए उनको फोक मीडियम का हेल्प लिया जाता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज एडवोकेसी। तो इसमें से आपको 2 ऑप्शंस चूज करने हैं जो कि बेस्ट सूटेबल हैं एडवोकेसी के लिए। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, जिसके अंदर हमारे पास आता है डिपेंडेंट ऑन प्लान स्ट्रेटजी और उसके साथ में टू हाईलाइट प्रायोरिटी इशू बिफोर डिसीजन मेकर्स। सी, एडवोकेसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। ओके, या किसी चीज के बारे में जाके कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर उस चीज के बारे में बताना। जैसे हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन के अंदर जैसे लोगों को, काफी लोगों को पता है कि हेल्दी खाना होता है, ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग उस चीज को गांव वालों को जाके बता रहे हैं या कम्युनिटी के अंदर किसी को भी जाके बता रहे हैं ना कि आप हेल्दी खाइए, या हेल्दी खाने के अंदर आप ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक विटामिन ए इंक्लूड कीजिए या फिर आयरन के सोर्सेज को इंक्लूड कीजिए, तो वो सारी चीजें एडवोकेसी के अंदर आती है। तो एडवोकेसी जो होती है ना, वो हमेशा डिपेंडेंट प्लान स्ट्रेटजी के ऊपर चलती है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम लोग किस चीज की एडवोकेसी करने जा रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं कि हम किस तरीके से करेंगे,
कि हमें जो एडवोकेसी है वो सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, मतलब उनको सिर्फ बिठा के सुनाने के अंदर बतानी है, या फिर उनके लिए कोई मीडियम ड्रॉ करने हैं, या फिर हमें कोई उनके लिए एड्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि उनको किसी भी तरीके से उस चीज के बारे में सिखाया जा सके या समझाया जा सके, राइट। और दूसरी चीज है कि हाईलाइट करती है प्रायोरिटी इश्यूज को बिफोर डिसीजन मेकिंग। हम लोग जैसे कोई हमारे पास कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम ही है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ डिसीजंस बनाने हैं कि हमारी यहाँ की जो कम्युनिटी है वो लिटरेट है या नहीं है, या फिर उनको हेल्दी ईटिंग के बारे में पता है या नहीं है। तो कोई भी डिसीजन बनाने से पहले उसकी प्रायोरिटी इश्यूज जो है उन सबको शो करने के लिए भी हमें एडवोकेसी की हेल्प लगती है। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको बताना है कि सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इंप्लाइड व्हेन दी, सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं आपको वो यहाँ पर बताना है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। सी, सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है, सिमेंटिक बैरियर रेफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एंड अदर सिंबल्स यूज इन द कम्युनिकेशन, राइट। यानी सिमेंटिक बैरियर जो है वो उस चीज के अंदर आता है जिसमें हमारा जो सेंडर है उसने कुछ बोला, लेकिन हमारा जो रिसीवर है उसको वो चीज समझ नहीं आई, या फिर उसने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ओके, या तो उसको कोई जो वर्ड हमारे सेंडर ने बोला वो वर्ड उसको समझ में नहीं आया, या फिर उस वर्ड का उसने कुछ गलत मीनिंग निकाल लिया, यानी उसको मिसइंटरप्रेट कर लिया या मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो जब ऐसी प्रॉब्लम होती है आपके कम्युनिकेशन के अंदर तो उसको हम लोग सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। गाइस ध्यान से पढ़िएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लिखा है, तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऊपर वाले 3 क्या हैं और नीचे ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है। सी, ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन हैं जिसके अंदर फैटिक स्टेज, इंटीमेट स्टेज और हमारी पर्सनल स्टेज आती है, ठीक है, ये जो तीनों होती है ना ये हमारी इंटरपर्सनल होती है, ठीक है। ये तीनों स्टेजेस तब काम आती है जब हम किसी और से बात कर रहे होते हैं जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों होते हैं, उस टाइम पे आती है। फैटिक स्टेज जो होती है ना उसके अंदर सिंपल हम लोग हाय हेलो वाली जो स्टेज होती है उसको हम लोग फैटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी ये हाय हेलो वाली स्टेज है हमारी फर्स्ट वाली, ठीक है। जो सेकंड वाली स्टेज आती है वो पर्सनल स्टेज आती है। तो पर्सनल पर्सनल स्टेज के अंदर क्या होता है ना, जो सिंपल हम लोग कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन किसी से कर रहे होते हैं ना, जैसे कोई आपके कोई बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं, कोई एक्वेंटेंस हैं जिनसे आप कोई ज्यादा खास मिलते नहीं है, तो वो लोग ऐसा पर्सनल स्टेज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट स्टेज एज इफ नाम से ही पता चल रहा है इंटीमेट है, तो इसमें बहुत जो क्लोज रिलेशनशिप वाले जो हमारे पीपल हैं, जो जैसे कि हमारे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए या बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो गए या फिर हमारे पेरेंट्स हो गए, तो वो सारे लोग बाग जो है वो हमारे इंटीमेट स्टेज में आएंगे। तो ये वाली जो तीनों स्टेजेस हैं ये हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काम आती है। और ट्रांसजेंडरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें हम लोग खुद से बात कर रहे होते हैं, जब हमें खुद के कोई मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, जब हमें उन चीजों में क्लैरिटी चाहिए होती है तो हम लोग ट्रांसजेंडरल कम्युनिकेशन करते हैं। या फिर हम लोग इसको वो वाला कम्युनिकेशन भी बोलते हैं जिसके अंदर लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हमारी जो सुपीरियर पावर है यानी कोशिश करते हैं कि भगवान से कम्युनिकेट करने का, एज इफ सेम वे में भगवान से कम्युनिकेट नहीं बट अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर सेल्फ टॉक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो इसमें वो चीज आती है। तो ट्रांसजेंडरल इसमें इकलौता जो है जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काम कर रहा है। ओके,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको एक डायग्राम से और अच्छे से एक्सप्लेन होगा आपको। देखिए यहाँ पे दो पर्सन बहुत ही ज्यादा इंटीमेट स्पेस के अंदर है, जो कि 1.5 यानी 45 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रहती है। इस चीज से कई बार अपने नेट के एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आए हैं कि सोशल स्पेस का कितना एरिया होता है, लाइक 3.7 सेंटीमीटर और ये सारी चीजें कई बार आई है कि कितने फीट का अगर 1.5 है या 4 है तो कौन सी स्टेज के अंदर वो लाए कर रहा है कि वो इंटीमेट स्पेस है या पर्सनल स्पेस है या सोशल स्पेस है या पब्लिक स्पेस है, ठीक है। और अगर ये इंसान खुद के साथ में ही बात कर रहा है तो वो सेल्फ टॉक कर रहा है या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिकेशन कर रहा है, ओके। तो आप इस डायग्राम को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना कि इनका डिस्टेंस जो है वो 1.5 फीट, 4 फीट, 12 फीट और 25 फीट है। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ मतलब स्पेसेस का एरिया दे रखा है, उनका एरिया दे रखा है कि वो कितनी दूर तक में कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है। तो आप लोग एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में आता है, ओके। तो वो आज के लिए यही 5 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जो मैं करवा रही हूँ सारे क्वेश्चंस वो अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। तो अगर प्लीज आपको कुछ भी मतलब ये अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि और क्या आप लोग इसमें चेंजेस चाहते हैं, या फिर और कौन से टॉपिक है या यूनिट है जिसके क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको जब भी मैं नए लेक्चर्स डालूंगी यहाँ पे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।